जोर से बोलना। अभी जो बाबा ने बताया मम्मा सुनेगी, जो फाइन था मम्मा सुनेगी। हाँ, ओम राधे मम्मा, जिन्होंने शरीर छोड़ दिया 65 में, वो ओम राधे मम्मा छोटी मम्मा में प्रवेश करके सुनेगी या नहीं सुनेगी? जैसे ब्रह्मा बाबा अभी सुनते हैं एडवांस नॉलेज या नहीं सुनते हैं? सुनते हैं। तो मम्मा रह जाएगी हैं? ब्रह्मा बाबा पुरुष थे, पुरुष सब दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में डाल दिए, तो जो दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में डाल दिए हैं उनको पहले ज्ञान सुनना है या जो पवित्र रहते हैं उनको पहले ज्ञान सुनना है? हैं? हाँ, जो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं वो बहुत अपवित्र बने हैं, इसलिए उनको पहले ज्ञान में आना होता है। पहले आकर के जास्ती ज्ञान सुनने का उनको मौका दिया जाता है। फिर ओम राधे मम्मा और उनका रथ कौन? छोटी मम्मा, लक्ष्मी बनने वाली आत्मा, संगम युगी लक्ष्मी और सतयुग की लक्ष्मी, वो भी ज्ञान सुनेंगी या नहीं सुनेंगी? बिना एडवांस नॉलेज लिए राजा बन जाएंगी? सुनेंगी, तो वो भी अंत में आवे। इसलिए पहली अव्यक्त वाणी में ही बोल दिया, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। अभी एडवांस ज्ञान का अंत हुआ है क्या? नहीं। जब अंत होगा तो दोनों छोटी मम्मा निकलेंगी। छोटा बाबा बड़े बाबा है तो छोटी मम्मा बड़ी मम्मा भी होगी ना? होगी या नहीं होगी? हाँ, लेकिन मुरली में बोला है इनको मम्मा बाबा नहीं कहेंगे, किनको? ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। तो मम्मा बाबा सृष्टि के कौन हैं? असल में जो संसार में प्रत्यक्ष होंगे लक्ष्मी नारायण बन करके और उनमें प्रवेश होने वाली आत्मा। अच्छा, और पंच कौन है जिससे ये पंचायतें बनी हैं? पांच आनन किसके हैं? पंचानन किसके हैं? पंचानन, अरे ब्रह्मा के कितने मुख हैं? पांच मुख हैं, तो उन्हीं के लिए ये श्लोक बनाया गया है। और हाँ, पंचाक्षर मंत्र है उसी के लिए बताया। हाँ, तुम तो प्रवृत्ति मार्ग वाले संन्यास बनते हो, तो प्रवृत्ति मार्ग वाले बेहद के सन्यासी बनते हो, हद के सन्यासी थोड़े ही बनते हो। हैं? दूसरा नंबर प्रवृत्ति मार्ग है सिख धर्म, दूसरा नंबर है ना प्रवृत्ति मार्ग, दूसरे नंबर का प्रवृत्ति मार्ग सिख धर्म। हाँ, तो उनको कहेंगे कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, अच्छा राम के लिए नहीं कहेंगे? सिखों के लिए ही कहेंगे हैं?
हाँ, सारी जो कहावतें हैं वो कहाँ से आती हैं? संगम युग से आती हैं। तो संगम युग में जो बाबा ने बोला है, भले नानक की बात ही बोली, असंख्य चोर हराम खोर, तो बात सच्ची है या झूठी बात बोली? सच्ची बात है। और जो पहला नंबर का प्रवृत्ति मार्ग है उनका क्या होगा? पहले नंबर का प्रवृत्ति मार्ग हो या दूसरे नंबर का प्रवृत्ति मार्ग सिख धर्म हो, बातें तो दोनों में एक ही होंगी ना। अभी तो ऐसा नहीं है ना, पहले नंबर का प्रवृत्ति मार्ग अभी तो ऐसा नहीं है। अभी ऐसा नहीं है जैसा उनका है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, तो अभी तो, अभी तो क्या, अभी तो अलग अलग हो गए। अभी पतित है या पावन है? है, अभी तो पतित है ना। जब पावन बन जावेंगे, जब बैकुंठ तैयार हो जावेगा, नई दुनिया का फाउंडेशन अभी तो लग रहा है, अभी नई दुनिया थोड़ा ही बन गई है। तो जब नई दुनिया तैयार हो जावेगी, तब सूर्यवंशियों के लिए कहा जावेगा क्या, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। अभी सब व्यभिचारी है या अव्यभिचारी है? सारी दुनिया व्यभिचारी है, रावण संप्रदाय है। और मुक्ति जीवन मुक्ति के बारे में समझाओ, मुक्ति जीवन मुक्ति के बारे में समझाओ। मुक्ति माना इस देह से मुक्ति, मुक्ति माने दुख दर्दों से मुक्ति, मुक्ति माना इस पतित दुनिया से मुक्ति, और जीवन मुक्ति माना जीवन भी रहे लेकिन दुख दर्दों से मुक्ति भी हो, इस पतित शरीर से भी मुक्ति हो जाए, पावन शरीर मिले, जीवन भी हो और मुक्ति भी हो। तो नाम क्या दे दिया, जीवन मुक्ति। परमधाम में सिर्फ मुक्ति होगी या जीवन मुक्ति होगी? वहां तो सिर्फ मुक्ति होगी, लेकिन परमधाम की स्टेज में लंबे समय तक रहना श्रेष्ठ है या जीवन मुक्ति में रहना श्रेष्ठ है? जीवन मुक्ति में रहना श्रेष्ठ है। तो बाप आकर के हमको दोनों प्रकार की मुक्ति देते हैं, मुक्ति भी देते हैं और जीवन मुक्ति भी देते हैं। और भाई भगतवाणी पॉइंट है, भगतवाणी का एक पॉइंट है, बाप दादा को हर रात को अपना सारा चार्ट सुना के सोने के नींद अच्छी आएगी, नींद अच्छी आएगी, आ जाएगी अपनी नींद, पूरा सारा चार्ट सुनाने के बाद तो अपनी नींद अच्छी आएगी। हाँ, निश्चिंत हो जाएंगे ना। जो ऊपर बोझा है वो बोझा हल्का हो जावेगा ना। बोझा होता है दिमाग के अंदर तो नींद नहीं आती है, चिंताएं बार बार सताती रहती है। अब सारा बोझा बाबा को दे दिया तो निश्चिंत होके सो जाएंगे। वो स्मृति सहयोग देती है, तो धर्मराज पुरी से बच जाएंगे। तो पोता मेल ये थोड़े ही कि पोता मेल एक बार देंगे तो माफ हो जाएगा, दूसरी बार देंगे तो माफ हो जाएगा। अब बार बार आप गलतियां करते रहेंगे, पोता मेल देते रहेंगे, तो बराबर लगातार माफी होता रहेगा क्या? नहीं, फिर परसेंटेज माफ होने की घटती जाएगी। घटते घटते एक टाइम ऐसा भी आएगा कि अभी अभी आप पाप करेंगे और पोता मेल भी दे देंगे तो कोई असर नहीं होगा, उसी समय दंड मिलेगा। अभी अभी पाप करना, अभी अभी दंड पा जाना, और फिर भी नहीं सुधरेंगे तो धर्मराज सुधारेगा। और स्वप्न में मन बुद्धि और जागृत में मन बुद्धि, स्वप्न में जो मन बुद्धि है
वो सेकेंडरी स्टेज की है, और जागृत स्टेज में जो मन बुद्धि है वो मन बुद्धि भी जागृत स्टेज में है। स्वप्न में जो हम स्वप्न देखते हैं वो इस जन्म के भी स्वप्न देखते हैं और पूर्व जन्मों के भी स्वप्न देखते हैं, ये अंतर होता है। और अगर इस पॉइंट की होता तो सोचा गया तो होता मेल लिखने का कोई बात? होता मेल लिखना जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस पाप करते जाओ पोता में लिखते जाओ, बार बार पाप करते जाओ बार बार पोता में लिखते जाओ, ये थोड़े ही कहा कि बार बार पोता में लिखेंगे तो पाप आधे माफ होते जाएंगे। फिर तो सब धर्मराज सजाएं कोई खाएगा ही नहीं, बड़ा अच्छा तरीका मिल गया। और जन्म देने वाली आत्मा है उनकी पढ़ाई चैत्य से शुरू हो जाती है, जन्म देने वाली आत्मा है उनकी पढ़ाई चैत्य से शुरू हो जाती है, तो मतलब चैत्य के जो बाद आते हैं तो उनकी पढ़ाई बाद में शुरू होती है। अभी भी जो आ रहे हैं तो उनकी पढ़ाई अभी शुरू हो रही है। जन्म देने वाली आत्मा है, जन्म देने वाला माना जनक, जनक माने बाप, सबका बाप कौन है? है एक ही सबका बाप है जिसे प्रजापिता कहा जाता है, आदम एडम आदिनाथ आदिदेव कहा जाता है, उसकी पढ़ाई उसी समय से शुरू हो जाती है 76 से। फिर बाद में जो जब जन्म लेता है बाप के घर में जन्म लिया और पढ़ाई शुरू हो गई। एक के ऊपर लागू होते हैं? एक के ऊपर सिर्फ लागू होता है? सभी के ऊपर लागू होता है, जो जब जन्म ले आत्मा उसी समय से उसकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। जन्म लेना माने निश्चय बुद्धि बनना, बाप के घर में जन्म लिया निश्चय बुद्धि बना और पढ़ाई शुरू हो जाती है। गमगीन माने दुखी होना। और बाबा संगम में राधा कृष्ण है ना बाबा, राधा का माँ बाप अलग कृष्ण का माँ बाप अलग ऐसा होता है? राधा का माँ बाप चंद्रवंशी होंगे ना कि सूर्यवंशी होंगे? है चंद्रवंशी होंगे, तो चंद्रमा उसका बाप हुआ या नहीं हुआ? चंद्रमा उसका बाप हो गया। और कृष्ण, कृष्ण का बाप कौन हुआ? सूर्य हुआ या नहीं हुआ? है सूर्य हुआ, तो वो सूर्यवंशी हुआ। अलग अलग माँ बाप है, अलग अलग घराना है, वो सूर्य से पैदा होते और वो चंद्रमा से पैदा होते। जो चंद्रमा से पैदा होंगे उनमें ज्ञान होगा या जो सूर्य से पैदा होंगे उनमें ज्ञान होगा? जो सूर्य से पैदा होते हैं उनमें असली ज्ञान होता है। और आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, जो जो शिव बाबा ज्ञान देते हैं वो धार्मिक ज्ञान नहीं है। धार्मिक माने धारणा करने वाला ज्ञान, वो नहीं है धार्मिक, वो भी तो धार्मिक ही है। और तीसरा क्या बता रहे? राजनीति का ज्ञान। बाबा जो ज्ञान देते हैं वो रिलीजियो पॉलिटिकल ज्ञान नहीं है, धार्मिक भी है और राजनीतिक ज्ञान भी है, दोनों कंबाइंड है। दुनिया वाले जो ज्ञान देते हैं
वो राजनीति अलग हो जाती है और धर्म अलग हो जाता है। और जैसे बाबा एक मुरली ने कहा कि बाबा तुम्हारा दुश्मन तो कोई नहीं है, और दूसरी तरफ बोला कि तुम्हारे दुश्मन बहुत है। बहुत है क्या मतलब? वो लोग दुश्मनी करते हैं, हम उनसे दुश्मनी नहीं करते। हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे क्या हैं? हम समझते हैं कि आज ये अपोजिशन करते हैं, कल ये हमारे पांव पड़ने लगेंगे। ये जो दो बात है उनको धार्मिक और आध्यात्मिक कैसे कहते हैं? हमारा दुश्मन कोई नहीं है तो ये आध्यात्मिक ज्ञान हो गया, हमारा दुश्मन बहुत है तो ये धार्मिक ज्ञान हो गया, ऐसा कुछ? हमारे दुश्मन बहुत हैं का मतलब ये है जो बहुत हैं वो दुश्मनी करने वाले हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये सब शिव बाबा के बच्चे हैं, हैं या नहीं है? सब आत्मा हैं, हमारी उनके प्रति भी आत्मिक दृष्टि है या देवान की दृष्टि है? अगर देवान की दृष्टि है तो दुश्मन है, तो हम पंडा बाप के बच्चे नहीं है। अगर पंडा बाप शिव बाप के बच्चे हैं तो हमारे लिए सब दोस्त हैं। आज दुश्मनी करते हैं और कल हमारे पैरों पड़ेंगे, तो दुश्मन हुए या दोस्त हुए? दोस्त हो जाएंगे। बाप वर्तमान नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं? भविष्य देखते हैं, उनका सतोप्रधान रूप देखते हैं। और एक मूली पॉइंट है, चौरा से जन्म ना लिए होंगे तो माया हिलावेगी, आगे चल तुम बहुत देखेंगे। तो पूरे 84 जन्म लिए हैं उनको, इन्होंने 84 जन्म पूरे लिए होंगे। सबसे जास्ती 84 जन्म कौन लेता है? है प्रजापिता, उसको अंदर से संशय आता होगा, है कोई बात में संशय आता होगा? मुझेगा नहीं मुझेगा। अब जिसने एक दो दिन कम जन्म लिया है, पूरे 5000 जन्म नहीं लिया है, 5000 वर्ष का जन्म नहीं लिया है, तो उसको थोड़ा थोड़ा माया हिलाएगी। और जिन्होंने बहुत ही कम जन्म लिए हैं उनको माया बहुत हिलावेगी। ब्रह्मा बाबा ने, हम सूर्यवंशी सभी 4.5 लाख जो बच्चे हैं उनके मुकाबले कम जन्म लिए हैं या ज्यादा जन्म लिए हैं? है हाँ, बाद में जन्म लिया है ना, 4.5 लाख बच्चों के बाद जन्म मिलेगा साकार या पूरी सृष्टि में जीवनधारी बनते हैं? नहीं बनते हैं। तो माया उनको हिलाती है या नहीं हिलाती है? हिलाती है। हमारी बुद्धि में अभी बैठ जाता है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, और उनकी बुद्धि में अभी माया नहीं बैठने दे रही। तो बाबा पूरे 84 के चक्कर में 50 साल कम हो गया तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ शरीर छोड़ना पड़ेगा ऐसा कुछ ब्रह्मा बाबा को शरीर नहीं छोड़ना पड़ा? तो जिनका कम हो जाएगा उनको शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। और आदर्श ज्ञान में भी जो ब्राह्मण बच्चे हैं उनका भी अगर 50 साल कम हो गया तो उनका भी शरीर छोड़ना पड़ेगा? 50 क्यों, कुछ भी कम होंगे अभी सन 36 से पहले ही शरीर छोड़ देंगे, जीवित नहीं बचेंगे, शरीर उनका बचेगा नहीं, तो दूसरे धर्म में जन्म लेंगे या नहीं लेंगे? हैं? लेंगे। और अंत में भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं उनको तो शरीर छोड़ना ही छोड़ना है, क्योंकि दूसरों को अपना बाप बना लिया। जो सूर्यवंशी बच्चे होंगे वो औरों को अपना बाप नहीं बनाएंगे,
भले अनिश्चय बुद्धि हो जाए तो भी औरों को अपना बाप नहीं बनाए। साढ़े चार लाख में सभी धर्मों से सभी धर्मों के बीज तो हैं, लेकिन सभी धर्मों के बीज होते हुए भी वो ऐसे बीज हैं जो और धर्मों में अगला जन्म लेकर के कन्वर्ट नहीं होते हैं, माने जन्म लेने के बाद कन्वर्ट नहीं होते हैं। क्या वो उन धर्मावलंबियों के परिवार में जाकर के जन्म ले लेते हैं? नहीं समझ में आया? हाँ, उनमें उनके परिवार में जाके जन्म लेंगे, वो कन्वर्शन नहीं कहा जाता। और ज्यादातर ऐसे होते हैं जो जन्म तो लिया यहां हिंदुओं में, फिर हमला हुआ मुसलमानों का क्रिश्चियंस का, तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जन्म लेते हैं दूसरे परिवार में, फिर कन्वर्ट हो जाते हैं। और सूर्यवंशी जीते जी कन्वर्ट नहीं होते दूसरे धर्म में, भले अगले जन्म में जाकर के दूसरे धर्मावलंबियों के परिवार में जाके जन्म लेंगे। जैसे महात्मा बुद्ध का बाप, महात्मा बुद्ध दुनिया का सबसे बड़ा गुरु बनकर के बैठ गया, ढेर की ढेर चीन जापान की आबादी को कन्वर्ट कर दिया। बाप ने समझा मेरा बच्चा तो बड़ा विद्वान है, तो बाप की आत्मा बच्चे के प्रति खिंचेगी या नहीं खिंचेगी? मरते दम तक खिंचती रहेगी या नहीं खिंचती रहेगी? खिंचती रहती है, तो अंत मते सोगते हो जाएगी। वही बौद्ध धर्मियों धर्मावलंबियों के परिवार में जाके जन्म ले लेंगे, बाकी जीते जी कन्वर्ट नहीं होते। हाँ, जो 84 जन्म लेने वाले ना होंगे वहाँ समझेंगे नहीं। हाँ, 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे, 83 जन्म लेने वाले इस्लाम धर्म वाले होंगे, 82 जन्म लेने वाले बौद्ध धर्म धर्मावलंबी होंगे, तो बुद्ध को फॉलो करेंगे, इब्राहिम को फॉलो करेंगे, ये अंत तक शिव बाबा को फॉलो करेंगे, उन धर्म पिताओं को फॉलो करेंगे, तो उनके धर्म पिता जो बाप हैं जिनको फॉलो करेंगे वो कम जन्म लेते हैं या पूरे 84 जन्म लेते हैं? कम जन्म लेते हैं, तो उनके फॉलोअर्स कम जन्म ही लेंगे या ज्यादा लेंगे? कम जन्म लेंगे। अब ऐसे भी कहा जाता है ना, कोई बात ज्ञान के बाद पॉइंट नहीं समझ में आया तो आज ही तो मुरली में कहा तुमको कुछ समझ में नहीं आता है तो बाप से आकर के पूछ, बाबा मना थोड़े ही करते हैं। है। और आत्महत्या करने वाले सीधे परमधाम नहीं जा सकते, उनको सूक्ष्म शरीर धारण करके भटकना पड़ेगा। सिर्फ आत्महत्या करने वालों की ही बात नहीं है, जो भी अकाले मौत में शरीर छोड़ते हैं उन सभी को सूक्ष्म शरीर धारण करके इस संसार में भटकना पड़ेगा, दूसरों के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान लेना पड़ेगा। ज्ञान लिए बगैर मुक्ति नहीं हो सकती, परमधाम में वापस नहीं जा सकते। अरे ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही नहीं जा सकती तो और कौन बचेगा? ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी ये एडवांस ज्ञान लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? ये दीदी दादी दादाएं शरीर छोड़ते जा रहे हैं, जगदीश भाई ने शरीर छोड़ा ना, तो वो भी
ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करके ज्ञान लेंगे या नहीं लेंगे? ले रहे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं। क्या पश्चाताप कर रहे हैं कि जो करना था वो काम हमने नहीं किया? और जो भी आकार बोध होते हैं उनको कुछ सिर धारण करना पड़ेगा है? जो भी आकार बोध होती है उनको कुछ सिर धारण करना पड़ेगा। तो अग्नि गांधी में रामली आत्मा उनका जो मुझे बताया गया है कि आज भी दूर कर दिया तो उनको कुछ सिर क्यों नहीं? यज्ञ के आदि में प्रजापिता वाली आत्मा जिसके लिए मुरली में बोला है उनका लाश भी कम कर दिया तो अकाले मौत हुआ या सकाले हुआ? लाश गुम कर दिया माने अकाले मौत हुई ना। अकाले मौत तो हुई लेकिन जो मौत हुई उसके अंदर भाव क्या था? जैसे युद्ध में जाते हैं योद्धा, अपने देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हमारा देश दूसरों के अधीन न हो जाए, हमारे देशवासी हमारे बाल बच्चे दूसरे धर्मावलंबियों के अधीन न हो जाए, देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ते हैं ना, और लड़ते लड़ते उनकी कोई गर्दन काट देता है तो अकाले मौत तो हुई लेकिन भाव क्या था? भाव सतो प्रधान था या तामसी भाव था? सतो प्रधान भाव था, इसलिए उनको शरीर मिलेगा। अकाले मौत होने के बावजूद भी वो सूक्ष्म शरीर धारण करके भटकेंगे नहीं, ऐसे ही प्रजापिता का समझो। प्रजापिता को ज्ञान था या नहीं था? और ज्ञान का दुनिया वालों ने अपोजिशन किया, इतना अपोजिशन किया, वैसे दुनिया वाले अपोजिशन न भी करते लेकिन ब्रह्मा बाबा पहले ही भाग करके कराची में चले गए तो सारा बोझ प्रजापिता के ऊपर आ गया। लोगों ने समझा जरूर ये झूठ है लेकिन वो डटे रहे, मुकाबला किया, हर बात का जवाब देते रहे। तो दुनिया वालों को जवाब नहीं आया तो क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो उसमें प्रजापिता का भाव अच्छा था या गलत था? उनका तो भाव अच्छा ही था। ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान दुनिया में फैलेगा तभी दुनिया की सदगति गति होगी, तो वो पीछे नहीं हटे। सूर्यवंशी बच्चे 5000 वर्ष के ड्रामा में भी जहां जहां युद्ध होंगे द्वापर कलयुग से, वहां युद्ध स्थली से पीछे हटेंगे, पीछे दिखाएंगे या मरते दम तक लड़ते रहेंगे? मरते दम तक लड़ते रहेंगे। तो उनका जो बाप होगा, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, वो डर करके ब्रह्मा बाबा की तरह भागेगा है? नहीं भाग सकता। और भागना युद्ध से अच्छी बात है या खराब बात है? भाग जाना ये तो भगोड़े की बात हो गई। और शिव बाबा सन 76 से के पहले भी, शिव बाबा कब से है? 76 से। और ब्रह्मा बाबा किनको कहेंगे? बड़ी अम्मा। अम्मा उनको कहा जाता है, माता उसको कहा जाता है जो सहन करे, सर्वगुणों का राजा कौन सी शक्ति? सहन शक्ति।
तो सहन करने में दुनिया के अंदर कौन सी आत्मा सबसे आगे गई? ब्रह्मा बाबा। तो जो ब्रह्मा बाबा हैं उन्होंने सहन किया है, तो उसका उजूरा मिलना चाहिए कि नहीं? उजूरा मिलता है। समझ में आया क्या? हाँ, वो अम्मा है। माँ की भी बच्चों को बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए। तो मुरली में जो कुछ ब्रह्मा के मुख से बोला वो तो शिव बाबा ने बोला लेकिन बच्चों ने समझा नहीं, लेकिन वही ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के बाद गुलजार दादी के मुख से जो बोलता है वो बातें भी माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए। तो वो माता की वाणी होगी। और एक पहचान और, माता बाप को पूरा पूरा फॉलो करने वाली होती है, उसी को माता पक्का कहा जाएगा, या कुछ फॉलो करे कुछ न करे उसको कहा जाएगा? है, जो पूरा पूरा फॉलो करती है उसको माता कहा जाता है। तो ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की वाणी को भले समझा नहीं लेकिन जितना भी समझा उतना फॉलो किया या नहीं किया? फॉलो किया। तो बच्चों को माँ की बात नहीं मानना चाहिए? जो बाप का सबसे बड़ा सहयोगी है दुनिया में, हर पुरुष के लिए उसकी पत्नी सबसे बड़ा सहयोगी है या नहीं है? सबसे बड़ा सहयोगी, इसलिए अर्धांगिनी कहा जाता है। तो उस अर्धांगिनी की बात भी बच्चों को मानना चाहिए, जरूर मानना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद गुलजार दादी के द्वारा जो भी वाणी ब्रह्मा बाबा की निकलती है वो शिव बाबा की वाणी है या ब्रह्मा की वाणी है? कैसे पता चले? कैसे पता चले कि वो ब्रह्मा की वाणी है? हाँ, शिव बाबा ज्ञान की बातें बताते हैं, षष्ठ चक्र के आदि मध्य अंत की बातें बताते हैं, और ब्रह्मा बाबा देवता बनने वाली आत्मा है, वो धारणा की बातें बताता है। देवताओं में सबसे पहले पूजा किसकी होती है? है? अरे देवताओं में कोई ऐसा देवता है जिसकी सबसे पहले पूजा होती है? गणेश। गणेश का पार्ट किसका है? ब्रह्मा बाबा। कान किसके बड़े बड़े हैं? है, ब्रह्मा बाबा के कान बहुत बड़े बड़े, तो वो सबसे पहले ज्ञान सुनते थे शिव बाबा का, और सबसे ज्यादा उन्होंने ही सुना मुरलियों को, तो वो गणेश है। वो गणेश, उसको संशय भी ज्यादा आते, जो संशय आते हैं उन संशय का समाधान करने के लिए भी शिव बाबा को ज्यादा मेहनत करनी पड़े या नहीं करनी पड़े? है? हाँ। तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा बच्चों में प्रवेश करके संशय पैदा करती है, ये बात कैसे, वो बात कैसे, बाबा ने ऐसे बोला, बाबा ने वैसे बोला, तो ये बात कैसे, तो बाबा उन सब बातों का जवाब देते। कि नहीं देते हैं? देते हैं। तो गुलजार दादी में जो वाणी चलती है वो भी शिव की वाणी नहीं है, ब्रह्मा बाबा की वाणी है। इसका पहचान एक तो धारणा की वाणी है, और दूसरी बात है उस अव्यक्त वाणी का एक भी वाक्य ऐसा नहीं निकलेगा जो मुरली के वाक्य को काटने वाला हो। अगर किसी ने ऐसा वाक्य देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो तो अभी बताए, चैलेंज के आधार पर मुरली के एक भी वाक्य को गुलजार दादी के द्वारा चलाई हुई ब्रह्मा की वाणी काटने वाली नहीं होगी, क्रॉस नहीं करेगी, पैरेलल चलेगी, साथ साथ चलेगी। इसे क्या साबित हुआ?
कि वो अम्मा की वाणी है या नहीं है। अम्मा की ही वाणी, सौतेली अम्मा की वाणी है या सगी माता की वाणी है? सगी माता की वाणी है। और जो भी विधर्मी है, जो भी विधर्मी है, विधर्मी उनके पूर्वज, उनके धर्म पिता, उनके अलग उनके अलग रहे, तो सूर्यवंशी का जो पूर्वज है और उनका धर्म पिता किसको कहेंगे? पिता तो तब होगा जब जन्म देगा, और जन्म तो तब कहेगा जब साकार शरीर हो। जन्म जयंती कब मनाई जाती है? जयंती साकार की मनाई जाती है या निराकार की मनाई जाती है? साकार की मनाई जाती है। तो शिव प्रजापिता के द्वारा ही पिता है। और प्रजापिता हो गया धर्म पिता, वो सूर्य भी है, वो पर्सनालिटी सूर्य भी है, क्योंकि शिव प्रवेश है, और वो पर्सनालिटी सागर भी है। सागर धरणी से चिपक के रहता है या अलग होके रहता है? चिपक के रहता है। तो शिव जो है, शिव वो आत्मा धरणी से 5000 साल चिपक के रहती है या अलग अलग रहती है? अलग रहती है। तो सागर कौन है और सूर्य कौन है? एक ही पर्सनालिटी में, एक ही व्यक्तित्व में दो आत्माएं, एक शिव और एक प्रजापिता। उसमें सागर कौन है और सूर्य कौन है? सागर है प्रजापिता, जगत पिता, जो जगदम्बा के साथ, और जो सूर्य है वो उसमें शिव की आत्मा है। सदैव रोशनी देने वाला कौन है? सूर्य तो सदैव रोशनी देने वाला है, उसकी रोशनी से सारे जगत का कल्याण होता है। और प्रजापिता सदैव ज्ञान की रोशनी देने वाला है? है नहीं है? बाबा वही सूर्य, वही प्रजापिता सूर्य है। साकार में सूर्य कौन हुआ? सात घोड़ों वाला सूर्य। कौन से सात घोड़े हैं? है वही जो सात फण दिखाए जाते हैं विष्णु के ऊपर, वही सात नारायण, वही सात घोड़े हैं। सात धर्मों के आधार मूल। और सूर्यवंशी का आधार मूल तो ब्रह्मा को कहेंगे? हाँ, ब्रह्मा बाबा तो उसी में है। हाँ। और जगदम्बा का तीन जन्म बताया गया है। किसने बताया जगदम्बा का तीन जन्म? किसने बताया तीन जन्म? किसने बताया? समझाने के लिए बताया। अरे तुम भी तो बता सकते हो। जगदम्बा यज्ञ के आदि में थी, जब कराची से भारत में आए तो उससे पहले पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, ऐसे मुरली में बोला है। माना छोटी माँ और बड़ी माँ, जगदम्बा और लक्ष्मी, दोनों ने सन 47 से पहले ही शरीर छोड़ दिया था। उनके शरीर छोड़ने के बाद वो आकर के जन्म लेती है ब्राह्मणों के घर में। लक्ष्मी वाली आत्मा भी ब्राह्मण परिवार में, दुनिया भी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेती है, और जगदम्बा वाली आत्मा भी पंजाबी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेती है। लेती है या नहीं लेती है? तो दो जन्म तो पक्के हो गए, तीसरा जन्म कैसे बताया तुमने?
है, ज्ञान का जन्म नहीं, वो लौकिक साकार जन्म की बात कर रहा है। तो बाबा ने दो जन्म बताया, बीच वाला जन्म नहीं बताया। तो बीच वाला जन्म है या नहीं है ये कैसे पता? मुझे बता रहे कि कोई कन्या थी उसको तो कुछ बात चली थी। क्या बात थी? और कोई कन्या थी वो जगदम्बाई थी ये कैसे पता? अच्छा फिर बाद में हल कर लेना। हाँ। और बाबा तीन पैर पृथ्वी बोलते हैं ना, तो ये धर्म अंधर हो सकता है? नहीं, पृथ्वी माने पृथ्वी, पांडवों को तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिले, तो यहाँ जितने भी बैठे हैं उनको तीन पैर पृथ्वी 24 घंटे के लिए, सप्ताह भर के लिए, महीने भर के लिए, सालों के लिए मिली हुई है या नहीं मिली हुई है? अपने अपने घर में डटे पड़े हैं कि नहीं डटे पड़े हैं? अरे नहीं डटे पड़े हैं, अपने घर में आराम से रह रहे हैं ना। लेकिन वो आत्मा कौन है जिसको तीन पैर पृथ्वी के भी नहीं मिले? अपना पैतृक घर होते हुए भी उस घर में नहीं रह सकता। अगर लगातार रहे तो हो सकता है कि वहां गंगा के कछार में जो डकैतों की मंडलियां रहती हैं उनको पैसे देकर उसको मरवा दिया जाए, और ऐसा काम हुआ भी है। पांडव गुप्त होकर क्यों घूमते थे? उनको डर था या नहीं था? है डर था, तो पांडवों के लिए वो बात पहले लागू होगी या पांडवों के बाप पांडु के लिए वो बात पहले लागू होगी? है पांडवों के लिए लागू होगी, बाप के लिए लागू होगी। जो बाप के लिए जीवन में समस्याएं परिस्थितियां आती हैं वो सारी परिस्थितियां पांडवों के लिए भी आवेंगी। इसलिए मुरली में बोला है, दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। तेरे माने किसके? प्रजापिता के ऊपर न लागू होती, चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे वो भीम हो, चाहे वो नकुल हो, चाहे सहदेव हो, चाहे रावण हो, कुछ भी दुनिया में हो, सबका पार्ट किस बीज में नुदा हुआ है? है 500-700 करोड़ का पार्ट किसके अंदर नुदा हुआ है? जो सारी दुनिया का बाप है उसके अंदर सारे ही पार्ट नुदे हुए हैं। इसलिए बोला कि पांडवों को तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिले, वो बात पहले किसके ऊपर लागू होगी? प्रजापिता के ऊपर लागू होगी, बाद में फिर सभी बच्चों के ऊपर लागू होगी। तो ऐसी स्थिति आ जाएगी, अभी तो का जवाब दे रहा हूं कि मिनी मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़े, ये मधुबन बन रहा है ना, मधुबन वालों को इतना अपोजिशन दुनिया में ये पैदा करेंगे एडवर्टाइजमेंट करके अखबारों में मीडिया में नोट की गड्डियां उड़ा उड़ा के, रेडियो में नोटों की धारा बढ़ा के, और इंटरनेट में पैसे दे करके, और जो अखबार वाले हैं इनको पैसे दे करके इतना वातावरण दुनिया का खराब कर देंगे कि लोगों को गुस्सा आएगी। और जैसे आज मुरली में आया कि पांडवों को चोरों ने लुटेरों ने लूटा, तो लूट लेंगे अभी भी।
ऐसा एडवर्टाइजमेंट करने में लगे हुए हैं या नहीं लगे हैं? है? लगे हुए हैं। उनके पास पैसे बहुत हैं और पांडवों के पास पैसे नहीं है, तो अखबार वाले हैं, रेडियो वाले हैं, टीवी वाले हैं, जो पैसे देंगे उनका डालेंगे या गरीबों का डालेंगे? पैसे देते हैं उनका डालेंगे, डालेंगे नहीं। अभी तो बाप के ऊपर बज रही है, तो बाप के लिए एक एक बार नहीं, दो दो बार के प्रूफ मौजूद हैं, अखबार भरे पड़े हैं उस एरिया के, जिनमें नोट डाल डाल करके मनमाना छपाया, कंपिल में बाय क्या हुआ तो भी छपाया, और फरक्काबाद में बा क्या हुआ तो भी छपाया, कलकत्ते में रविंद्र भाई को पकड़वा करके वहां भी उनकी दुर्गति कराई, और अखबारों में और टीवी में ऐसा छपाया जो रविंद्र भाई के मकान में मिनी मधुबन चल रहा है वहां जाने वाले सारे जिज्ञासु दो महीने के लिए बिल्कुल बंद हो गए। गांव वालों ने उन लोगों के ऊपर इतना प्रेशर डाला कि तुम अपनी कन्याओं को वहां बेच के आए हो, उनको लेके आओ, नहीं तो हमें तुम्हारी मार मार करके इस गांव से निकाल देंगे। तो कोई कोई इस बात के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन दो महीने के बाद वो केस कच्चा पड़ गया, रविंद्र भाई छूट गए। तो ऐसे ऐसे भी वाकया हुए हैं। तो पूरे 84 जन्म लिए होंगे तो उनकी बुद्धि में त्रिमूर्ति ज्ञान, लक्ष्मीनारायण चित्र ज्ञान बैठेगी, गीता ज्ञान बैठेगी। तो जो पूरे 84 जन्म ना लिए होंगे तो उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगी, कम बैठेगी, ऐसा पूरा नहीं बैठेगी। तो यही पर साबित होता है कि हमने कोई भी अगर नहीं समझा तो तुम्हारे कुल का होगा तो थोड़ा भी सुनेगा तो झट पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं, को कहेगा हमको पूरी बात समझाओ, तो समझ लो कि वो दूसरे धर्म का नहीं है, हमारे कुल का है। और दो बातें सुना दी वो आपने आ गई तो वो पूरा पकड़ने की कोशिश करेगा। एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकाल देगा, चला जाएगा। और अभी तो जो ब्राह्मण बच्चे हैं वो तो पूरा नहीं जानते हैं ना, अगर तो त्रिमूर्ति का चित्र लक्ष्मण भी चित्र है, ऐसे ऐसे भी तो यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने थोड़ा सुना तो छोड़ा ही नहीं जब तक पूरा नहीं समझ लिए, समझ लिए। फिर रात दिन लिटरेचर पढ़ के या दूसरों से सुन करके या इंटरनेट से वो पूरी बात समझते हैं, जब तक निश्चय नहीं बैठ जाता है तब तक छोड़ते ही नहीं है। जुआ खेला? हाँ, जुआ का अर्थ यह है कि सन 76 से पहले बाबा ने कहा अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करो, तो जो पांडव संप्रदाय के बच्चे थे उन्होंने सच्चाई से अपना तन, अपने बीवी बाल बच्चों का तन सब सेवा में लगा दिया, अपना धन, अपनी प्रॉपर्टी, मकान, जमीन, जायदाद बेच करके भी ईश्वरीय सेवा में लगा दिया सन 76 से पहले।
ताना माना धन सब लगाया, और जो झूठे कौरव थे उन्होंने उनका भी मुट्ठी में ले लिया और अपना अपनी मुट्ठी में रखा और यज्ञ में सरेंडर होने का ढकोसला किया। ऐसा करने वाले बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए हैं? बैठे हुए हैं। तो पांडवों ने अपना तन मन धन सब स्वाहा कर दिया भगवान की मुरली के मत पर, वो सच्चाई से किया। और कौरवों ने किया तो, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए किया, वास्तव में उन्होंने किया नहीं। तो दोनों ने जुआ खेला या नहीं खेला? है, पांडवों ने अपनी बीवी को भी अर्पण कर दिया कि नहीं कर दिया? द्रौपदी को जब सभा में नंगी करके बुलाई गई तो चूं किया, बोले, लड़ाई की है? माने उनकी सहमति थी या नहीं थी? सहमति थी। तो तन मन धन बीवी बाल बच्चे, ये छोटे भाई भी बच्चे समान होते हैं कि नहीं? बड़ा भाई बाप समान होता है ना। तो युधिष्ठिर ने क्या किया, अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया। तो पांडवों ने तन मन धन समय संपर्क सब लगाया और सच्चाई से लगाया, और कौरवों ने सच्चाई से नहीं लगाया। तो ये जुआ हुआ कि नहीं हुआ? है, होता है ना जुआ, ये जुआ हो गया, जुआ खेला। और यहां भी जो पांडव बैठे हुए हैं उन्होंने बीके में जब थे तब तन मन धन सब लगाया या नहीं लगाया? लगाया। और सच्चाई से लगाया या चालाकी से लगाया? सच्चाई से लगाया। तो जुआ खेला या नहीं खेला? जुआ खेला। है, वापस कब देंगे? ये आपकी इच्छा होगी, वापस दो तो दो, नहीं हम अपने बीवी बाल बच्चों को वापस ले जाएंगे, हम अपनी बच्चों को भी सरेंडर करके वापस ले लेंगे, ये तुम्हारा प्रश्न होगा। अब वही जुआ, कोई शकुनी मामा की तरह ऐसी चालाकी से पासा फेंकते हैं कि वो पासे तुम्हारे अनुकूल हो गए तो डट से वापस। और जो अष्टदेव है, हाँ, तो अष्टदेव में एक मंगल छोड़ के जो हीरो पाटदारी है, हाँ, वो छोड़ के बाकी बचे सात, तो और विष्णु रूप के जो पांच आत्मा है, विष्णु रूप में जो पांच आत्मा है, विष्णु 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 रूप में नहीं, अष्टदेव अलग और पांच पांडव अलग। जो पांच पांडवों के बीज हैं वो अष्टदेव में नवग्रह में हो सकते हैं। क्या नवग्रह या अष्टदेव? इसका मतलब है नौ धर्मों के बीज, उनमें से पांच ऐसे हैं जो भारतीय धर्मों से कनेक्टेड हैं, वही पांडव हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बीज, इस्लाम वो क्या नाम, बौद्ध वंश का बीज, सन्यास धर्म का बीज, सिख धर्म का बीज, ये पांच ऐसे हैं जो पांडव हैं। उन पांडवों के बीज हैं, उन धर्मों में वो सबसे श्रेष्ठ आत्माएं हैं, टॉप मोस्ट। मुरली में बताया गया है कि वो जो सात अष्टदेव में सात है और विष्णु में जो पांच आत्मा है, सात और पांच मिलकर बारह हो गया ना? नहीं, जो पांच पांडव हैं उनके बीज रूप आत्माएं ही अष्टदेव और नवरत्नों में हैं।
आधार मुहूर्त नहीं, वो तो कम जन्म लेंगे। और जो बड़ी मम्मी को झूठी मम्मी कह दिया जगदम्बा को, झूठी गीता करके साबित किया गया, तो मैं एग्री किया। आदि में जो फाउंडेशन पड़ता है तो वहीं से शुरू होता है झूठी गीता को। तो ब्रह्मा में, जगदम्बा में और जगत पिता में झगड़ा हुआ, इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा, पहले अम्मा, और अम्माओं में असली अम्मा कौन? जगदम्बा, वो निमित्त बनी पहले। उसने किससे लड़ाई की? जगत पिता से लड़ाई की। तो जगदम्बा और जगत पिता, और साथ में फिर कौन मिल गए? बच्चे मिल गए। कौन से बच्चे मिल गए? सूर्यवंशी बच्चे मिले या और धर्मवंशों के बच्चे मिल गए? ब्रह्मा से वरदान लेने वाले असुर होते हैं या सूर्यवंशी होते हैं? असुर ब्रह्मा से जास्ती वरदान लेते हैं। उन्हें मां का प्यार अच्छा लगता है, बाप का बनाया हुआ कायदा कानून अच्छा नहीं लगता। होना क्या चाहिए है? कायदा कानून अच्छा लगना चाहिए, मां का प्यार अच्छा लगना चाहिए, या दोनों अच्छे लगने चाहिए है? कायदा कानून अच्छा लगना चाहिए। हाँ, माँ का प्यार भी चाहिए और बाप का कायदा कानून भी चाहिए, दोनों ही चाहिए। हम प्रवृत्ति मार्ग के बच्चे हैं ना, और धर्म वाले निवृत्ति मार्ग वाले हैं या प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं? वो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, तो वो अम्मा के बच्चे हैं। बाप का उनको पता ही नहीं। जब बाप का पता नहीं तो विद्यालय का नाम क्या रखते हैं? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। बाप का नाम उड़ा देते हैं, क्योंकि उनसे कोई पूछेगा तुम्हारा बाप कौन? तुम अपने को कहते तो हो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। अरे अम्मा कुमार अम्मा कुमारी हो तो तुम्हारा कोई बाप भी होगा ना, तो चुप हो जाते। बाप का पता ही नहीं उनको, तो इसलिए जो और धर्मों के बच्चे हैं उन्हें बाप का पता नहीं है। ये सूर्यवंशी बच्चे ही हैं जिनको बाप का पता चलता है। वो अम्मा ही अम्मा चिल्ला, ब्रह्मा ही ब्रह्मा, ब्रह्मा ही भगवान, ब्रह्मा ही ये, ब्रह्मा ही वो, ब्रह्मा ही सब कुछ। और भक्ति मार्ग में ब्रह्मा को भगवान मानते ही नहीं, भक्ति मार्ग में ब्रह्मा की पूजा ही नहीं करते, भक्ति मार्ग में ब्रह्मा की मूर्तियां ही नहीं बनाते, भक्ति मार्ग में ब्रह्मा के मंदिर भी नहीं बनाते। वो भगवान हो गया। और जिसकी मूर्तियां भी मिलती हैं, जिनके मंदिर भी मिलते हैं, जिनकी याद भी होती है, वो होते ही नहीं। विष्णु और शंकर नहीं होते हैं, वो तो ऐसे ही समझाने के लिए दिखा दिया चित्र में। झूठ है झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रक्त ही नहीं। तो बात यह है, तो यज्ञ के आदि में तो झूठी गीता उनकी साबित हो गई, तो स्त्री चुना जगदम्बा में शिव प्रवेश था ना, सुनना सुनाने के टाइम पे है? सुनना सुनाने के टाइम पर सुप्रीम शिव प्रवेश था ना जगदम्बा। लेकिन कैसे स्वभाव संस्कार वाली आत्मा में प्रवेश था? अम्मा के स्वभाव संस्कार वाली आत्मा में प्रवेश था या बाप के स्वभाव संस्कार वाली आत्मा में प्रवेश था? अरे बाप को तो कंटा ही काट दिया, लाश ही गुम कर दी, तो मजबूरी में किस में प्रवेश किया? अम्मा में प्रवेश किया। अरे बाप मर जाता है या मार दिया जाता है तो प्रॉपर्टी का हकदार कौन बनता है? हैं? अम्मा ही बनती है। तो वहां भी बेहद में अम्मा ही थी,
कि प्रजा वो ब्रह्मा अम्मा था, अम्मा असल में प्रैक्टिकल में कौन थी, जगदम्बा थी। तो उनको ज्ञान का वर्षा मिला, वो जगदम्बा में ही शिव बाप प्रवेश करके लिखाते थे ब्रह्मा बाबा को। पहले शिव बाबा मुरली नहीं चलाते थे, 8-10 पेज लिखाते थे, फिर वो मुरली ब्रह्मा बाबा जो लिखते थे वो क्लास में पढ़ के सुनाई जाती थी। उस समय की बात है जब पाकिस्तान नहीं बना, कराची की बात है। तो किसको वर्षा मिला है? ब्रह्मा को वर्षा मिला। अरे ब्रह्मा बाबा तो गणेश जी थे, हाँ व्यास जी कौन था? ब्रह्मा बाबा तो गणेश थे लिखने वाले। किसके मुख से बोली जाती थी मुरली? जगदम्बा के मुख से। बाबा ये है सवाल की सुनना सुनने के टाइम पर, सुनना सुनने का जो फाउंडेशन पड़ता है ना, भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ता है ना, भक्ति मार्ग का फाउंडेशन सुनने सुनाने का। हाँ तो वहाँ पर जगदम्बा ने कुछ अलग तरीके से बोला, कुछ अलग तरीके से बोला जो ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए थे वो साक्षात्कार जगदम्बा को सुनाए गए। वो ही साक्षात्कार जगदम्बा ने प्रजापिता को सुनाए, मुख से सुनाए और उसका अर्थ प्रजापिता में प्रवेश करके शिव बाबा ने बताया प्रजापिता के मुख से। तो जो कुछ बताया वो जगदम्बा ने कानों से सुना, मुख से सुनाया और कानों से सुना, लेकिन समझा नहीं। इसलिए भक्ति मार्ग का फाउंडेशन हुआ या ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन हुआ? भक्ति मार्ग का फाउंडेशन आदि में भक्ति मार्ग का फाउंडेशन हुआ जगदम्बा के द्वारा। तो अभी एडवांस में भी क्या हुआ, बाप को समझा या नहीं समझा या छोड़ के चली गई है? छोड़ के चली गई। अगर समझा होता तो छोड़ के जाती नहीं? जाती। तो उसी समय फाउंडेशन पड़ता है तो उसी समय कह दिया गया ना, ड्यूटी मां करके उस समय कह दिया गया ना, तो किस कारण से कह दिया कि ड्यूटी मम्मी उस समय? वही पतित पावन बाप है और प्रैक्टिकल में है और साकार में है, कैसे पतितों को पावन बनाता है और कैसे पावन देवताएं द्वापर युग से पतित बनते हैं, ये बात बुद्धि में जगदम्बा को नहीं बैठी। क्या बात नहीं बैठी है? पतित से पावन कैसे बनते हैं और पावन देवताएं द्वापर युग से पतित कैसे बनते हैं, ये बात दुनिया वालों को पता है? और दुनिया वालों की जो अम्बा है जगदम्बा, उसकी बुद्धि में है? अभी बैठी है? नहीं, पहले भी नहीं बैठी थी तो झगड़ा कराई दिया। चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे देवासुर संग्राम हो, जितनी भी लड़ाइयां शास्त्रों में दिखाई गई हैं, उनका कारण कौन बना? वो लड़ाई करवाने का कारण कौन बना? दुनिया में भी जो लड़ाइयां हो रही हैं, उसमें मूल कारण कौन बनता है? स्त्री ही बनती है। जगदम्बा भी मूल कारण बनी और अव्यक्त वाणी में बाबा ने बोल भी दिया। क्या बोल दिया? क्या बोला? विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से निकली,
स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला निकली। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा पहले। तो जो कारण बनता है मूल, उसी को पकड़ा जाएगा या बाद वालों को पकड़ा जाएगा? है मूल कारण को पकड़ा जाएगा। और तो बाबा अंतिम समय में सभी आत्माओं को परिणाम जाना पड़ेगा अंतिम समय में सभी आत्माओं को। टाइम हो चुका है। हाँ बोलो। हाँ हाँ जी। एक छोड़ के सभी आत्माओं को परिणाम जाना पड़ेगा ना? एक छोड़ के, जिसको छोड़ के परमधाम जाना पड़ेगा, वो मन बुद्धि से पहले ही परमधाम में बैठने वाला नहीं बन जाता है। मन बुद्धि से विनाश होने से पहले ही परमधाम में बैठने वाला बनता है, निराकारी स्टेज वाला बन जाता है या नहीं बनता है? बनता है, तभी तो शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। तो उसे परमधाम में जाने की जरूरत है? वो बुद्धियोग से ही पहुंच जाता है। इसलिए झाड़ के चित्र में ऊपर किसका चित्र दिखाया है? शंकर का चित्र दिखाया है। सब आत्माओं को खींच के लेके जाता है। मुरली में क्या बोला है? नहीं, मुरली में बोला है तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, तुम्हारे नेत्रों में भले इतनी शक्ति ना आए कि तुम बाबा को लगातार याद कर सको, ज्योतिबिंदु को, लेकिन वो दृष्टि योग की पावर से, प्यार भरी दृष्टि से तुम बच्चों को ऐसे खींचेगा कि तुम्हारी दृष्टि वृत्ति दुनिया में जा ही नहीं सकेगी और तुम परमधाम परमधाम वासी बन जाओगे नंबर बार। परमधाम जाने के लिए ना पुण्य का खाता ना पाप का खाता नहीं रहना चाहिए ना, कुछ भी भोजन नहीं रहना चाहिए परमधाम जाने के लिए। सत्युग में आने वाले पुण्य करने वाली आत्मा होंगी या पाप आत्मा होंगी? आत्मा में जो स्वभाव संस्कार भरता है वो परमधाम जाने वाली आत्माओं में वो पुण्य करने का स्वभाव संस्कार भरेगा या नहीं भरेगा? है भरेगा। वो पुण्य करने का स्वभाव संस्कार उनको सत्युग त्रेता में खींच लाएगा। शिव में, शिव की आत्मा में न पुण्य करने का संस्कार है न पाप करने का संस्कार है, इसलिए वो ऊपर ही पड़ा रहेगा। बाबा नंगे आए थे, नंगे जाना है। नंगे आए का मतलब यही है कि देहभान नहीं होगा। देवताओं को देहभान होता है? वो देवताएं पुण्य आत्मा कहे जाते हैं या पाप आत्मा कहे जाते हैं? पुण्य आत्मा है, पुण्य का सुख भोगा है। ओम शांति। तुम तो पूछते ही रहोगे।